कैसी बात बातचीत ही होगा कुछ है? हाँ बातचीत करने आए हैं बस ना, बातचीत करने आए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। करना ही है, हम सब बहनों से, बेटियों से, दादियों से, फूफियों से सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि हमें शाहीन बाग का बहुत गर्व है। चारों तरफ अपने शहर में कितनी दर्द का दुखद आता हुई है, घटनाएं हुई है, लेकिन शाहीन बाग ने अपनी शांति बनाए रखी है और वो एक बहुत बड़ी बात है। शाहीन बाग ने अस्सी लोकतंत्र की तरह अपना आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रखा है और हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके खिलाड़ियों की। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि जब हम आए थे पहले चरण में आपसे बात की थी, आपने अपनी बातें रखी और हमने आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो बताया। आपकी बातें हमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी, जो जो आपने हमसे कहा वो हमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बात आप तक पहुंचाई, आपकी बात सुप्रीम कोर्ट तक हमने पहुंचा दी है, हमने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। बीच में आप जानते हैं बातचीत का माहौल नहीं था, एक लोकतंत्र में जो बातचीत होगी ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन अब हम इसको अपना दूसरा चरण मानते हैं, हम दूसरे चरण में आए हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि आपसे बातचीत जारी रहे और वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि बातचीत जारी रखते हैं आपसे, हम ये उम्मीद करते हैं दूसरे चरण में कि आप सब लोग बहुत गंभीरतापूर्वक सोचे। पिछली बार जब मैं हम लोग आए थे आखिरी बात मैंने आपसे कही थी, अपना अपने दिल और अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए, सब बहनों से बात कही थी, क्योंकि हर आप निकालेंगे इस चीज का, हर आप निकालोगे। तो इस दूसरे चरण में हम ये उम्मीद करते हैं और संजय भैया और मैं दोनों इस उम्मीद से आए हैं कि इस सारे आंदोलन का जो हल है वो आपके हाथ में है और सही हल वही है जो आप लोग निकालेंगे, लेकिन वो हाल वो होना चाहिए जो सबके हित में हो, वो हल होना चाहिए, वो समाधान होना चाहिए जो सबके हित में हो, जिसमें शाहीन बाग का आंदोलन भी जारी रहे। सवाल है कहां जारी रहे, किस तरह से जारी रहे, वो सवाल है।
आपने, हमने आपसे जोर जबरदस्ती कभी नहीं की, हमने जोर जबरदस्ती कभी की आपसे, आप पर छोड़ा। आज भी हम इस चीज का हल, इस समस्या का समाधान, इस आंदोलन का समाधान आप पे छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सही हल निकालेंगे। हम लोग आपसे बातचीत करने के लिए ही आए हैं। अब मैं संजय भैया से दरख्वास्त करूंगी कि आपको बताएं कि हम किस तरह से इस दूसरे चरण में आपके साथ काम करना चाहते हैं। शुक्रिया भाइयों, बहनों, ग्रामीणों, मुखियों, शामिल महाराज, दिल्ली वासियों और सबसे बड़े हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी मिलकर, शाही माँ के हिंदुस्तानी मिलकर इस मसले का हल ढूंढ ही लेंगे। जो मसले बहुत आते हैं किसी किसी जिंदगी में, किसी देश के इतिहास में, पर ऐसा कोई मसला नहीं जो अगर हम सच्चे दिल से उसे काम करें, सदमा से काम ले और जज्बात से काम ना ले तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा। कहते हैं ये माइक में है, दूसरे माइक ये वाली देखो। तो मेरा ये मानना है कि हम एक जमहूरियत में जब है, जब एक सांवैधानिक जमहूरियत में है, हम संविधान के तहत जब काम करते हैं तो संविधान है क्या? संविधान कोई बड़ी किताब नहीं है, बड़ा ग्रंथ नहीं है जिसको सिर्फ वकील पढ़ते हैं। संविधान एक मुआवजा है हमारे आपके बीच में और हर नागरिक के बीच में और नागरिक और सरकार के बीच में मुआवजा है कि देश कैसे चलेगा। संविधान सत्ता है, सबके लिए है और संवैधानिक तौर से हल निकालना और जब दो नागरिक किसी चीज पर एक मत नहीं हो सकते हैं, जो नागरिक और सिटीजन एक मत नहीं हो सकते, तो मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट भी अपने असर से, संविधान से, कानून से कुछ ना कुछ हल निकाल लेता है। तो सारे मसले कोर्ट में ही लड़े नहीं जाते हैं और जब और सारे मसले ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़ते ही रहना है, मसलों का हल निकलना है। दोनों ले लेता हूं। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप लोग यहां बैठ के आप ही कुछ समाधान निकालिए, हमें अगर बता दें कि ये समाधान है, ये हल है, एक हल में प्रोसेस जारी रहेगी, बीच में जारी चलता रहेगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट दूसरे मुद्दों को नहीं देखता है, सब तरफ कैसे कुछ बीच का रास्ता ना निकल सकता है। तो अगर आप हमें बता दें और मैं ये मानता हूं कि आप अगर लिखित में बता दें कि आपके कुछ चार पांच नुमाइंदे चुनके वो जो सब आप लिखिए हमें भेज देंगे, उस पर गौर करके कोर्ट तक पहुंचा देंगे। अगर कुछ है तो आपके नुमाइंदों से पूछेंगे। पर एक बात है कि हम कोई फैसला आपसे जोड़ने नहीं आए हैं और हम
सरकार की ओर से नहीं आए हैं, ना केंद्र सरकार ना दिल्ली सरकार, हम इसे सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, हमारा मैंडेट क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमको कि आप जाएं, बताइए लोगों को कि आपके पास प्रोटेस्ट का अधिकार है और पर प्रोटेस्ट कैसे करना, बिल्कुल ब्लॉक करना, रास्ता ब्लॉक करना, वो अधिकार ना कोई संविधान में है, ना कोई कोर्ट दे सकता है। पर मामला और फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनवाने से पहले अगर हम कुछ हद खुद ढूंढ लें तो वो भी सुप्रीम कोर्ट शायद देख ले। तो हमारी यही कोशिश है कि आप जो सब चाहते हैं, अगर कोई बात रह गई हो, किसी के बाद हम सुन नहीं पाए हैं, तो आप चार पांच लोग जो भी आपके नुमाइंदे हैं उनके उनको लिखित में दे दीजिएगा, हम तक जरूर पहुंच जाएगी और हम हर ऐसी चीज को हम पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे। और एक बात मैं अपने ओर से कहना चाहता हूँ, साधना से कहना चाहता हूँ, और ये शहबाज जो अलीगढ़ से मैं अभी भी लॉ कर रहा है, सबसे यही कहने आया हूँ कि हमें आपसे बहुत सारा प्यार मिला है और आपने हमें अच्छी तरीके से सुना है, उसके लिए मैं पहले से शुक्रगुजार हूँ। और मेरी हंसी मजाक का एक सिलसिला हमेशा रहता है, ये शायद पहला मौका है जब किसी मर्द को इतनी सारी औरतें आराम से सुने हैं। तो मैं शायद मेरी घर पे भी सुनवाई होगी, तो मैं सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूं। अगर आप कुछ हद तो बात करते हैं, कौन सा त्यौहार आने वाला है, क्या प्रोग्राम होने का, होली मनाएंगे, होली मनाएंगे, होली के लिए हम लोग क्या करते हैं।